आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं हिंदी नॉलेज शो वाले को वीडियो, पहले देखते हैं वीडियो उसके बाद देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जापान से भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और क्रूशल खबर आ रही है। दरअसल जापानी मीडिया ने यह खबर दी है कि हाल ही में भारत और जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, और उसी सम्मेलन में भारत और जापान के बीच में एक हथियार को लेकर बड़ी डील हुई है। और यकीन मानिए, जिस हथियार की बात की गई है वो कोई ऐरा गैरा नथू गैरा हथियार नहीं है, वो जापानी नौसेना का सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा खुफिया हथियार माना जाता है। यहाँ तक कि जापान के लोग इसे अपनी सेना का एक्स फैक्टर मानते हैं चीन के खिलाफ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ध्यान से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जिस हथियार डील की हम बात कर रहे हैं उस हथियार का नाम है यूनिकॉर्न, और यकीन मानिए इसे तैयार करने में जापान को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इनका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है सब कुछ इन्होंने इस हथियार में झोंका है, तब जाकर ये तैयार हुआ है। लेकिन ये करता क्या है? दरअसल सबसे पहले तो इसे एक शिप पर इंस्टॉल किया जाता है। फिर क्या करता है कि इसके ऊपर जो सबसे बड़ा एंटीना लगा है ना, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स और छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं, और इन्हें कवर किया गया है एक स्टेल्थ कवर के अंदर, जिससे कि दुश्मन के रडार इस पर रिफ्लेक्ट ना हो पाए। लेकिन जो ये एंटीना करता है वो बहुत ही कमाल का काम करता है। दरअसल इसका काम होता है दुश्मन की रडार वेव को रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब दुश्मन आपको ट्रैक करने के लिए आपकी तरफ रडार करेगा और उससे वेव निकलती हैं जिससे टकराकर वो वापस लौटती हैं और दुश्मन को बताती हैं कि जी इस साइज का शिप इतनी दूर है, या फिर लड़ाकू विमान ड्रोन तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे ही दुश्मन आपकी तरफ रडार करके आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, तो उससे निकलने वाली वेव को वापस टकराकर नहीं जाने देगा, उसे ये रिफ्लेक्ट कर देगा जिससे कि दुश्मन को रडार पर कुछ दिखेगा ही नहीं। उसके बाद आप चाहे अपनी शिप भेजो, अपने लड़ाकू विमान भेजो, बड़े से बड़ा बम वर्षक भेजो हमला करने के लिए, दुश्मन को तभी पता चलेगा जब उसके सर पर बम गिरने लगेंगे। अब आप खुद सोचिए कि इसका इस्तेमाल कितने भयानक तरीके से किया जा सकता है। ये एक पूरे के पूरे बड़े जंगी बेड़े को गायब कर सकता है रडार पर से। दुश्मन को तब पता चलेगा जब उस पर बमबारी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से ये युद्ध पलट कर रख देगा। और इसीलिए जापान के अंदर इसे एक्स फैक्टर कहा जाता है, और बताया जा रहा है कि भारत और जापान के बीच में इसकी डील को लेकर सहमति बन गई है और भारत अब इसे खरीदने जा रहा है। वहीं जापान की मीडिया ये भी कह रही है कि जापानी इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इतना ज्यादा खुफिया, इतना ज्यादा सेंसिटिव मिलिट्री हथियार या कोई मिलिट्री इक्विपमेंट जापान किसी दूसरे देश को बेच रहा है। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि 2015 के अंदर भारत के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ था उसी के तहत ये डील की जा रही है, और आने वाले समय में इसी एग्रीमेंट के तहत वो भारत को और ज्यादा खतरनाक और क्रूशल हथियार देगा। हालांकि आपके मन में सवाल आया होगा कि जापान अपना इतना खुफिया और इतना ज्यादा खतरनाक हथियार भारत को क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे कारण बहुत ही साफ है। जापान को पता है आज नहीं तो कल, अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद चीन उस पर चढ़ेगा जरूर। ऐसे वक्त में बिना भारत के चीन को हराना और पीछे हटा पाना संभव ही नहीं होगा, और इसीलिए जापान की जनता, वहां का सत्ता पक्ष विपक्ष सब ये बात पर सहमत हैं कि एक मजबूत भारत सुरक्षित जापान की गारंटी है। भारत जितना मजबूत होगा चीन उतना दबकर रहेगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीन ताकतवर होता चला जाएगा भारत जापान का कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ना सिर्फ हथियारों के मामले में बल्कि व्यापार के मामले में भी। हालांकि इस पूरी डील पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं इस जब वीडियो चल रही तो मैं हैरान था कि अमेरिका जो जापान है ना वही ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है, और आउट क्लास कर दिया है भाई जापान ने। ऐसा जहाज बनाया है कि किसी का भाई वो जो बात कर रहे एशिया के अंदर मतलब सबसे अच्छा जो उसके रडार को जाते हैं ना रीड कर टकराएगा वो उसके साथ टकराने नहीं देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, और वो उसका जो
जहाज है उस पर हमला कर सकता है दूसरे। बिल्कुल, ये उसको ही गिरा देगा भाई। यकूब भाई ये तो जापान एक भाई, सबसे पहले ये देख जापान और इंडिया की दोस्ती भी बहुत पुरानी है, वो तो ये कोई आज की बात नहीं। जापान और रशिया के साथ तो इंडिया के बहुत अच्छे तलकात हैं, इतने अमेरिका के साथ मैंने कभी नहीं अच्छे तलकात देखे भाई। वो मैं तो कहता हूँ जापान के जो इंडिया के ना तलुकात, वो एक भाई और दूसरे भाई की तरह है, बहुत अच्छे तालुकात हैं भाई इंडिया और जापान के, तो वो उनके लिए करेंगे भाई। जो टेक्नोलॉजी है जापान की वो भी वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर भारी है, मैं तो ये बात करता हूँ। जापान का जो उन्होंने ये एक कदम उठाया भी है वो भाई पूरे वर्ल्ड पर ये जान भारी है। ये जो इसका नाम है ना यूनिकॉर्न है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है सब, ये वर्ल्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ के हिसाब से, मूड के हिसाब से। अब ये इंडिया खरीदने जा रहा है उसे, तो भाई हर लिहाज से वो जो डिफेंस सिस्टम है और जो अगले दूसरे के जो रडार है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास दुश्मन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी याद रखो, पता चलेगा कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आज एक बात तो साबित हो गई है, मेरी तो बात उसने बोला है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ किया जा रहा है। अच्छा मैं बात ये करना चाहता हूँ, ये जहाज ऐसा है कि आप जब आप कोई भी डिफेंस सिस्टम लगाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, तब पता चलेगा कि दुश्मन आपके सर पर ऊपर बम फेंक रहा होगा, तब आपको पता चलेगा इसे जो जहाज उन्होंने बनाया। अच्छा क्या गुलदार, ये तो बात मैं मान लेता हूँ, चाहे इंडिया और जापान की अच्छी दोस्ती यारी भ्रागत है, बहुत अच्छे तलकात है, वो इनको एक अच्छी चीज तैयार दे रहे हैं बनी बनाई, अपने आने वाले वाक्य मुश्किल वक्त में वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंडिया उनसे खरीद रहा है, कोई पाकिस्तान की तरह नहीं भी किस्तों में लेगा जिस तरह वो गलैदाबाद खरीद रहा है, ये तो गलैदाबाद होगी। अच्छा। मुझे ये आप बताओ दोनों, क्या चाइना को कोई इतने ही कमजोर समझा हुआ है, क्या चाइना इसका तोड़ भी निकाल कर बैठा होगा? मैं बात करना चाहता हूँ चाइना के डर से जो है अमेरिका ले रहा है। शुक्र है आपको ये बात अपने मुंह से बोल के निकाल दी है। तू समझ नहीं रहा, चाइना इतना मजबूत है कि उसके मुकाबले में आने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है भाई, अपना डिफेंस सिस्टम इंडिया जो है बढ़ा रहा है भाई। चाइना इंडिया से ज्यादा पावर वाला है भाई, आप माने या ना माने आपकी मर्जी, लेकिन भाई जो न्यू टेक्नोलॉजी है इकॉनमी में आ गया है जी खूब भाई, जो न्यू टेक्नोलॉजी उसमें सबसे ज्यादा जो आ गया वो चाइना ही है। उसके बाद पता ही नहीं है क्या क्या चीज है वो हमारे दोस्त है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा भाई, इसीलिए नहीं पूरे वर्ल्ड को उसका पता नहीं है डिफेंस में क्या है, उसके पास क्या क्या चीज है, वो क्या कर सकता है। इंडिया का दिफा का तो वो आप तो बता रहे हैं ना, इंडिया में ये पावर है, ये खरीद रहे हैं, ये मेड इन इंडिया बना रहे हैं, इतने पावर वाला चाइना वो छुपा रुस्तम है। चाइना ऐसी ऐसी चीज तैयार करके बैठा हुआ है, वो चाइनी चीजें नहीं जो पाकिस्तान को देते हैं दिफा की, वो असल वाली चाइनी है भाई। बिल्कुल भाई, वो हमें किसी को पता ही नहीं चैनल में क्या तैयार कर रहा है। वीडियो बता रहे थे कि उनको पता ही नहीं चलेगा जब वो सर पर आ जाएगा भाई साहब, अगले जो किसी मुल्क पे हमला करे उसका डिफेंस सिस्टम इतने कमजोर है, वो आपकी आप उसकी हदूद में चले जाए भाई, जो उनका रडार सिस्टम है उस पर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा। यही मैं बात वो जहाज में कर रहे हैं जो उसमें सेंसर लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान वाली दुनिया में गुरदार सबमरीन है चाइना के पास, पूरी दुनिया में महंगी और अच्छी पूरी दुनिया में वर्ल्ड में वो बंदे कंट्री को ऐसा नुकसान दे सकती है किसी को पता ही मालूम ही नहीं होगा। वो भाई सबमरीन तो है, हम उस जहाज की बात कर रहे हैं, उस पर वो कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता, उसको कोई भी रडार उसको जज नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ना करे, जापान ने अच्छा कदम उठाया है और वो उसने इंडिया को बेच रहे हो, एक अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ना करे ये वक्त आ जाए कि ये जो चीज खरीद रहे हैं ना इंडिया वाले जापान से, अल्लाह ना करे ये वक्त आए कि इनको इस्तेमाल करनी पड़े, पता तो तब चलेगा गुलदार। अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आया कोई जंग लगी इंडिया और चाइना की, तो अगर फिर पता चलेगा कितनी ताकत वाले, लेकिन हम जंग चाहते नहीं भाई, ये जो मैं जंग चाहता नहीं भाई, ये जंग ये नहीं होगी कि इंडिया और चाइना की होगी, इसमें हमारी सारी दुनिया की तबाही होगी, जिस तरह चाइना है रशिया और यूक्रेन की वजह से देख लो कितनी तबाही मची हुई है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा कदम हो भाई, तो इंडिया और रशिया सॉरी जापान की अच्छी दोस्ती का एक सबूत है। चलें जी, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो तक, अल्लाह।